नमस्कार बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का मैं मीरा राजपूत अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 2024 के चुनाव की देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव की और देखिये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एक तैयारी अयोध्या में भी चल रही है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के 22 तारीख को लेकर के जश्न की शुरुआत है वही एक तैयारी कांग्रेस की भी चल रही है वो है न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकालने वाले हैं चुनाव से ठीक पहले और इससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जहां मैं खड़ी हूं उस क्षेत्र में भी वो आए यानी कि पश्चिमी यूपी यूपी के पश्चिमी यूपी को भी उन्होंने कवर किया भारत जोड़ो यात्रा के बीच लोगों से मिले अब ये इतनी सारी भूमिकाओं के बीच में पार्टियां कितना वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगी राम मंदिर के नाम पर कितना वोट बैंक इकट्ठा होगा या साथ ही साथ ही तरीके से इंडिया पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है दो चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं उसमें कितना दम है और ये जो न्याय यात्रा है वो कितना बड़ा उलट फेर लाने वाली है इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार राम मंदिर का मुद्दा रहा पर राम मंदिर बनके तैयार नहीं हुआ इस बार राम मंदिर तैयार है तो वही कांग्रेस की एक बहुत बड़ी यात्रा तैयार है और विपक्ष का एक बहुत बड़ा घेर भी तैयार है इतनी सारी पार्टियां देश के हर कोने से हर दल को उठाया गया है हर बड़ी राजनीतिक पार्टी को उठाया गया है वो ईडी के छापे भी पहुंच रहे हैं तो दो का कुछ इस समय वर्तमान में यह है समीकरण और मैं पहुंच चुकी हूं पश्चिमी यूपी में में जैसा आपको स्टार्टिंग बताया पश्चिमी यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं के चुनाव को लेकर के विपक्ष कितना मजबूत साथ ही साथ बीजेपी कितना मजबूत राम मंदिर पर क्या बोलेंगे और राहुल गांधी की यात्रा पर क्या बोलेंगे और सबसे पहले शुरुआत भैया जी से ही करती हूं वो जा रहे थे बोले आगे कार्यक्रम है हमारा बड़ा सा तो यहाँ पर हरा गमछा दिखा यहाँ पर ऐसे ही दिखे और मुझे बताया कि दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं से हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ अपना सबसे सब सब पहले नाम बताइए अपना, अपना मेरा नाम दिनेश चौधरी हाँ चौधरी साहब बताइए पहली चीज दिमाग में क्या चल रही है आपके पूर्व प्रधान भी रहा हूँ गाँव से गाँव गाँव ढार है मेरा चलिए वैसे तो ये कहते हैं पूर्व हो या वर्तमान हो प्रधान जी प्रधान जी रहते है अच्छा, तो प्रधान जी बताइए इस बार किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं और मुद्दा कौन सा हावी है ज्यादा मुद्दा है सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरा तो योगी और मोदी है मुद्दे तो योगी और मोदी है मुद्दा ही योगी योगी मोदी है और कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ नहीं चाहिए चलिए तो दो का वोट जाने वाला है। दो नामों तैयारी बड़ी है बड़ी तैयारी कितनी लगती है इस बार आ जाएंगी मुझे लगा सारी की सारी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी। अच्छा सारी की सारी हाँ। और पूरे देश में पूरे देश में चार सौ सौ ऊपर है और विपक्ष फिर क्या करेगा भैया विपक्ष तो खाली बैठा है अच्छा, खाली बैठा है सारे जो वे वाले है हाँ। दूसरे वाले इकट्ठे हो रहे हैं अखिलेश यादव ममता बनर्जी नीतीश कुमार कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इन्होंने, जिसने इन्होंने इतना बड़ा वो जयंत चौधरी हाँ क्या कह रहे हैं इन्होंने पता तो दिन इन पे कोई मुद्दा ही ना है योगी और मोदी हैं अच्छा इन है। किसानों से पूछ के देखो योगी मोदी इनके खेत खा गए फसल खा गए और सुनो अब की बार जनता जागरूक हो चुकी है ये कहते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं उन्होंने भी कहा सबका साथ सबका विकास किसने कहा किसने कहा कहा इन्होंने ने कहा, ने ने भाँच्ट तो भाँच्ट मेरी सुन तो लो सबका साथ सबका विकास जनता जाग चुकी है इन्हें सब पहचान चुके इनका कोई जुबला कोई बात मानने को युवा तैयार नहीं है अब की विपक्ष इतना मजबूत है युवा ने सोच लिया जिसके साथ यूथ और हाथ में जूथ इनका इलाज कर देंगे अब क्या आओ तो सही मैदान में अच्छा इस बार ये होगा आ, और, और चूत इनके हाथ लेकर इंतजार कर रहे हैं वोट मांगने तो आओ में ये पश्चिमी यूपी में ऐसी बातें ना हो कहाँ जमेंगे अच्छा ये बताइए इतनी सारी पार्टियां एक हो रही हैं वही सवाल ये भी उठेगा कि एक तरफ मोदी जी हैं एक तरफ योगी जी हैं तो कैसे आप इनके सामने फेस ऑफ कर पाएंगे आमना सामना कितना मजबूती के साथ होने वाला है देखो ये तो गोदी मीडिया अगर इनका साथ न देते नहीं तो हमें सरकारी मीडिया चला रही है सरकारी मीडिया चला रही है आप लोग आपस में करिए तर्क वितर्क हाँ। क्या करना है बताओ, क्या कहना चाहते हो इतनी सारी पार्टियां एग्जिट हो रही हैं क्या बड़ी तैयारी आप मान रहे हैं विपक्ष की तरफ से इनका बक्कल तार देंगे सुपड़ा साफ कर देंगे मैं मेरी सुनो मैं संजीव ढिंडार एनसीआर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं भारत किसान यूनियन में 13 महीने हमने दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर रखा किसान आंदोलन ने जो किसी कानून या काले कानून लाए थे वो वापस किए अभी ड्राइवरों के खिलाफ इन्होंने एक कानून पास करा, वो भी। सारी जो चीज़ जो भर्ती खोलना हमारी सरकार यू टर्न की सरकार है, अच्छा, है।, है।, है। हमारी जो बिरादरी है हाँ। मैं भी जाट बिरादरी से हूँ और चौधरी साहब का परिवार जो है वो सबसे बड़ा हमारी बिरादरी का उनके परिवार पर कोई आरोप नहीं है हाँ। लेकिन उससे अलग जो जितनी पार्टी बटली हो रही है चोर हाँ। चोर मुसेरे भाई है हाँ। तो वो जैन चौधरी भी तो वही जानना चाहते हैं उस परिवार को छोड़ के हाँ। चोर चोर मुसेरे भाई है हाँ। और मैं तो एक बात और कहूँ हम जाट है हाँ। और ये जो, जो जाट है ये भारतीय जनता पार्टी मतलब हमारी पार्टी के लिए हम लोगों के लिए गाली देते हैं और वोट भी दे तो हमें इनकी गाली भी अच्छी लगा और वोट भी अच्छी लगे है जाएंगे भाई जाएंगे भाई जब भाई सबके भाई है